नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे बताए हुए ये दो तरीके अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके घुटनों का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर आपकी हड्डियों में से भी आवाज आती है और घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द बैठ चुका है, चढ़ने उतरने में या उठने बैठने में आपको बहुत ज्यादा पेन होता है जो सहन नहीं होता, तो इस वीडियो को ध्यान से सुन के फॉलो करिएगा। पहला तरीका मैं बताने वाली हूँ एक्सरसाइज का, और दूसरा ऐसा तरीका है जो आपके शरीर में जितने भी न्यूट्रिशंस की कमी चल रही है उनको पूरा कर आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। और आप सिर्फ मुझे एक महीना दें, एक महीने में आपको अपने शरीर के अंदर 50-60% फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उसी चीज को 2 महीना करते हैं, सिर्फ 2 महीना, इससे ज्यादा नहीं बोल रही, तो 101% आपको अपने अंदर रिजल्ट दिखेगा। लेकिन इतना टाइम आपको देना है। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, जब हमें घुटनों का दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे लेते हैं महंगी महंगी दवाइयाँ। कभी आपने सोचा है कि जब डॉक्टर हमें दवाई देता है तो हम दवाई जब तक खाएंगे तब तक हमारे घुटनों में आराम रहता है, उसके बाद हमारे पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जैसे ही वो दवाई हम मिस करना शुरू कर देते हैं। तो हमें दर्द को दबाना नहीं है बल्कि उसको जड़ से खत्म करना है। और जड़ से खत्म करने का जो तरीका होता है वो आयुर्वेद में, जिस तरीके को आज मैं बात करने वाली हूँ, वो तरीके का जिक्र किया गया है और गारंटी दी गई है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका दर्द जड़ से खत्म होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली एक्सरसाइज के लिए हमें लेना है नॉर्मल कोई भी तकिया, जैसा आप देख रहे हैं घर का तकिया, आप नॉर्मल ले लीजिए। इसको अपने टांगों के नीचे यानी घुटने से नीचे की तरफ आप अपने इस तरह से टांगों के नीचे इसको लगा लीजिए। टांगों के नीचे लगाने के बाद आपको पंजों को अपने पीछे की तरफ पूरी फोर्स से खींचना है और घुटनों को नीचे की तरफ प्रेशर देना है। इससे क्या होगा, जो आपके घुटने जो आपके कमजोर हो गए हैं, उनकी मसल जो वीक हो गई है, उसको ताकत मिलेगी और वहां का जो लिगामेंट, जो गैप आ गया है, लिगामेंट जो होते हैं हमारे हड्डियों के, हल्के से चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें पेन होता है, वो अपनी जगह पर आने लगेंगे। और आप ट्रस्ट मी, अगर आप इसको करोगे ना 5-10 बारी, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा कि आपका जो दर्द बहुत ज्यादा था वो पहले से कितना कम हो चुका है। खुद कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंस्टेंट आपको इससे फर्क दिखेगा। लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले पोजीशन क्या करनी है, जब आपने घुटनों को नीचे प्रेस करना है तो कमर अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है, हाथों को इस तरीके से पीछे प्लेस करना है और उसके बाद आपको इसको 10 सेकेंड तक काउंट करना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब आपने 10 काउंट्स कर लिए उसके बाद आप रिलैक्स हो जाइए। दोबारा से आप इसको 10 बार रिपीट करिए। जैसे आप जब आप रिपीट करेंगे तो प्रेशर आपको नीचे की तरफ देना है। ऐसा ही आपको 10 तक काउंट करके 5 बार करना है। 5 बार ही इनफ है, उसके बाद ही आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट दिखेगा। अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से अपनी बॉडी की पोजीशन रखनी है, लेटना है, घुटनों को हल्का फोल्ड रखना है और तकिए को अपने दोनों घुटनों के बीच में दबाना है और अपने घुटनों से पूरा प्रेशर देना है। जब आप इसमें पूरा प्रेशर देंगे तो आपकी इससे पेल्विक मसल पर इसका बहुत अच्छा लोड पड़ेगा, जिससे कि आप खुद फील करेंगे कि आपके घुटने पर इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है और वहाँ का जो दर्द है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। और आपको ऐसा दबाने के टाइम पे आपको काउंटिंग करनी है 10 तक। 10 सेकंड्स के लिए आप काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 काउंट करने के बाद आप रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद दोबारा से सेम पोजीशन लीजिए और 10 तक काउंट करिए। जब काउंटिंग कर रहे हैं तो आपका पूरा घुटनों का प्रेशर तकिए पर होना चाहिए, मतलब तकिए को आपको अच्छे से प्रेस करना है। ऐसा आपको 5 बार करना है, उसके बाद रिलैक्स हो जाइए। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तीसरी एक्सरसाइज में हमने इसी एक्सरसाइज को जो फर्स्ट वाली थी, पहले हमने दोनों पैरों से किया, अब हम इसको एक पैर से करेंगे। जब हम एक पैर से करते हैं तो उससे ज़्यादा लोड हमारे घुटने पर आता है। तो इस तरीके से आप एक पैर सीधा करिए और तकिया रखिए और उसके बाद पंजे को अपने आगे की तरफ खींचकर घुटने को नीचे की तरफ प्रेशर दीजिए, हाथ से नहीं बल्कि अपनी टांग से ही। आप खुद नोटिस करेंगे आपको एक हल्का सा सेंसेशन होगा कि आपको पेन हो रहा है, बहुत स्लाइटली सा। वही पेन आपके परमानेंट पेन को ख़त्म करेगा।
आपने फिर से 10 काउंट करने हैं और ऐसा आपको एक टांग पर 5 बार करना है और ऐसा ही दूसरी टांग पर भी 5 बार करना है। अब बात आ जाती है बहुत बढ़िया चीज़ की, जब आप ये एक्सरसाइज करते करते आपको 15 दिन या हफ्ता हो चुका है और आपको लगता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, आपको अपनी टांगें बिल्कुल सीधी करनी है और अपने हाथों से अपने पंजों को ऊपर उठाना है, खींचना है, जिससे आपकी एडी ऊपर हो जाएगी और पूरा लोड आपके घुटने की मसल पर आएगा, जिससे आपके घुटने की जो मसल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी और आपके घुटने का दर्द दूर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी बाजू को अपनी टांग के नीचे से निकाल कर आपको उसको अप्स एंड डाउन करना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आप ऐसा 5 बार करें। उसके बाद इसी टांग से आपको रोटेशन करनी है, पहले क्लॉकवाइज 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा ही आपको अदर लेग पर भी करना है, यानी दूसरी टांग पे भी सेम। अब बारी आती है हमारे दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में हम बनाने वाले हैं सिर्फ 3 चीजों की ऐसी रेमेडी जो आपको मात्र 15 दिन में अपना बेहतरीन रिजल्ट देगी। तो देरी किस बात की, सिर्फ 2 चीजें फॉलो करो और अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 2 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर। मैंने यहाँ पे मेथी दाने को मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर। और साथ में आपको लेना है 1/4 स्पून सॉल्ट। इनको अच्छे से मिक्स करना है और रोजाना आपको किसी भी टाइम गुनगुने पानी से सुबह और शाम इसका सेवन करना है। आप इसको ज़्यादा बनाकर स्टोर कर सकते हैं। 1 चम्मच आप सुबह नाश्ते के बाद ले लें गुनगुने पानी से और 1 चम्मच आप रात को सोने से पहले ले लें। तो यहाँ पर हमारे 2 तरीके खत्म होते हैं, बस इनको फॉलो करो और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाओ, हमेशा खुश रहो। आज के बाद अगर आपको भी घुटने का दर्द है या आपके फैमिली में किसी को दर्द है तो बस मेरा ये वीडियो जरूर दिखा देना। ट्रस्ट मी, वो आपको तो दुआएं देंगे और मुझे तो जरूर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके हैं, 2 तरीके। इसके बाद आप किसी भी डॉक्टर के पास जाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। ऐसे ही हमेशा खुश रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम्स के सलूशन के साथ। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।